नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडियन पोस्ट GDS में निकली हुई वैकेंसी। यहाँ ग्रामीण सेवक एक इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक विभाग में आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है। GDS की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है फ्रेंड्स। इसमें देखिए डाक विभाग में वैकेंसी है, इसमें मिनिमम एज आपकी दी हुई है 18 से 40 एज होनी चाहिए। 18 आपकी मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम एज है आपकी 40 है। तो इसमें आपको देखिए आपके फॉर्म कब चालू होने वाले हैं, यानी 22/5/2023 आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं 22/5/2023 से, और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग यानी 11/6/2023 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो इसमें आपकी फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी है, जनरल OBC वालों की 100 रुपये रखी है, ST वालों की 0 रखी है, और फीमेल कैटेगरी ऑल कैटेगरी वालों की 0 है, यानी फीमेल ऑल कैटेगरी वालों की 0 फीस रखी गई है। बाद में इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया है नेम पोस्ट यानी ग्रामीण डाक सेवक, ये देखिए इसमें आपके टोटल पोस्ट आई हुई हैं वो हैं 12,828 पोस्ट हैं, 12,828 बहुत ही पोस्ट निकली हुई हैं। इसमें आपको कुछ दे नहीं देना है, आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें नीचे चलते अपन जहाँ पे ज़िले दी हुए हैं, आपको किस किस ज़िले में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये सारे ज़िले यहाँ पर जहाँ पर दी हुई हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई पर। आपको यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस पर रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के लिए देखो आगे चलते हूँ, हमारे सामने जो ऑप्शन खुल करके आ जाता है, देखिए हमारे सामने ये विंडो खुल करके आ गई है। अपने मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको उनको आपका अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालनी होगी। दोनों पर आपके पर OTP आएगी वेरीफाई करने के लिए। इस पर मोबाइल नंबर वेरीफाई यहाँ पर आपको वैलेट इस पर डालने होंगे, ईमेल पर मोबाइल पर दोनों पर OTP आएगी। OTP आने के बाद हमें सबमिट हो जाए। उसके बाद में एप्लीकेंट नेम यहाँ पर आपको नाम डालने हैं, यहाँ पर फादर नेम डालने हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑफ कैंडिडेट भी सिलेक्ट करना होगा। ऑटोमेटिक सेलेक्ट यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट हो जाकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर जो वाली OBC वगैरह आपको जो भी हो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपको इस पासवर्ड यानी कहाँ से आपको आपने पासवर्ड किया है, आप जिस जहाँ से भी हो वहाँ से आपको आप कर देना होगा। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, आपने ईयर आपका पास किया था, आपने 10वां 12वां का पास किया वहाँ आप आपको भरना होगा। जब भी आपने पास किया हो तब भरते हैं आपके बाद में। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा डालना होगा, आपको इस कैप्चे को डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको आप आगे चल के इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर जॉब सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस चुन लेनी है, आपको किस ज़िले में और कहाँ पर आपको किस पोस्ट पर आपको आवेदन करना है। वो आवेदन करने के बाद में आपको और कुछ करना नहीं है, बस बताता हूँ। आपको पेमेंट मांगा, पेमेंट कट जाएगा, आपको पेमेंट काट देना है, बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।